Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. शाहिद कपूर, यामी गौतम, श्रद्धा कपूर और देवेंद्र शर्मा की फिल्म बत्ते गुल मीटर चालू 21 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। दोस्तों आपको बता दें, इसने स्टार्टिंग के फर्स्ट डे यानी कि ओपनिंग डे पर इतनी ज़्यादा अच्छी कमाई नहीं की थी और ये उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। आपको बता दें, इसने अपने पहले दिन 6.67 करोड़ रुपए की कमाई की और उसके दूसरे दिन इसने अपने कमाई में उछाल बनाते हुए 7.96 करोड़ रुपीज़ की कमाई की। दोस्तों आपको बता दें कि बत्ते गुल मीटर चालू में एक अलग स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं शाहिद कपूर, जो कि बहुत ही कॉमन स्टोरी है, लेकिन उत्तराखंड में इसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंदर शाहिद कपूर और देवेंद्र शर्मा की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। दोस्तों आपको बता दें कि आज इस फिल्म को तीसरा दिन है और आज है संडे, तो संडे का इसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है और इसकी कमाई में एक बार फिर से उछाल देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आज का इसका प्रोडक्शन है कम से कम 9 करोड़ रुपए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसको मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि अब ये फिल्म जल्द से जल्द 100 करोड़ कब पार करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक इसके दो दिन का कलेक्शन टोटल 15 करोड़ हो चुका है और आज अगर ये 9 करोड़ रुपए कमाती है तो इसका कलेक्शन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब बत्ते गुल मीटर चालू आज के दिन पे और 100 करोड़ का आंकड़ा कब पार कर पाएगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।